जश्न नहीं बल्कि विरोध है। विरोध अपनी सरकार के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव और जेरूसलम से आई हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार का विरोध कर रहे हैं, पर आखिर इस विरोध की वजह क्या है समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार न्यायिक सुधारों यानी जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए बिल लेकर आई तो उसके खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार पर लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद से ही विरोध हो रहा है, और जब विरोध शुरू हुआ तो अब जोरों पर पहुंच गया है। लेकिन ये सब कुछ एक कानून के खिलाफ में हो रहा है, तो आइए समझते हैं कि आखिर ये कानून क्या कहता है। इजराइल सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसका मकसद देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों या फिर फिलिस्तीन के संगठनों से फंडिंग लेने वाले लोगों की नागरिकता छीनना है। इसके साथ ही उन्हें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के इलाकों में डिपोर्ट करने का भी प्रावधान है। ये कानून इजराइल में रहने वाले अरब मूल के मुसलमानों पर भी लागू होगा, जिन्हें फिलिस्तीन का समर्थक माना जाता है। ये कानून इजराइल की संसद में पास हो चुका है, जिसमें कुल 120 में से 104 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इनमें से 94 सदस्यों ने इस कानून के पक्ष में वोट किया, जबकि 10 सदस्यों ने इस कानून का विरोध किया। इजराइल और फिलिस्तीन की पूरी लड़ाई पूर्वी यरूशलेम को लेकर है। इजराइल का कहना है कि यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी देश की राजधानी मानता है। इजराइल का मानना है कि उनके देश में रहने वाले अरब मुस्लिम फिलिस्तीन की अथॉरिटी से फंडिंग लेते हैं और इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, और इन्हीं लोगों को रोकने के लिए इजराइल ये कानून लेकर आया है। वेस्ट बैंक में 40% से ज्यादा इलाके पर इजराइल का ही नियंत्रण है, और ये आतंकवादी अपनी नागरिकता गंवाने के बाद यहाँ पर भी नहीं रह सकेंगे। इन्हें वेस्ट बैंक के इलाके में छोड़ दिया जाएगा जहाँ फिलिस्तीन की अथॉरिटी का नियंत्रण है, और या फिर उन्हें गाजा पट्टी में डिपोर्ट कर दिया जाएगा जहाँ आतंकवादी संगठन हमास का नियंत्रण है। आपको बता दें कि इजराइल की कुल आबादी लगभग 95 लाख है, जिनमें से 81% यहूदी हैं और 14% मुस्लिम हैं। इन्हीं मुसलमानों को इस कानून के दायरे में रखा गया है, यानी इजराइल में रहने वाले ये 13 लाख मुसलमान अगर फिलिस्तीन की मदद करते हैं या उससे मदद लेते हैं तो उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी या फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।